फौज नगारा बाजता ओ बाजे जो नर मर गया सिंह जो गाजता। ये साथ में रे वावे।
स्वर्गवासी आत्मा की जय हो, गंगे हरिद्वार की जय हो। हम आत्मा देखो मानसिंह राजा लिखे इन भजन में चेतावनी में संकेत करे, बहुत गहरी बात बताई के दो दिनों री बंदा साहिबी तू काई देख दिखावे, गर्व करे धन माल रो थारे साथे नहीं जावे। साहिबी कह करे सुख ने जो अपना सुख है ऐसा रो में जो थोड़ा दिन कोई है दो दिन कोई है और इनमें अब कहीं देख दिखा रिया हो कहीं जो अभिमान कर रिया हो और थोड़ा दिन कोई बतायो है ज्यादा नहीं है। जन्म आत्मा लिखे मैल सुरंगी छोड़ के भूख होया रवाना, ना जोने कण देश में कण देश लिया विश्रामा, मोटा मोटा गढ़ छोड़ करके जाता रिया पासो मिसगोल को अंध करने गया कोई पत्थो ही नहीं लागू। क्यों महात्मा कहवे टेडी पाग बांधता जरू के जागता, ताते तुरी पिलान सौंपटे डागता, लारे सड़ती भौज नंगारा बाजता, हो बाज जूनर मर गया सिंह जियो गाजता। योरी दाढ़ पड़ती सिंगरी पड़ती जो परंतु मरिया जनों का पत्थो ही गुला गुंद करने गया। क्यों ये इस दिशा उपो में होने वाली है, क्यों और मरतू लोग है। जिन महात्मा कहवे डालिया रहता डोलिया ऊपर सहज बिसाता, वो पढ़ वाला सल किया निधि से जावता, वो डोलिया डलूड़े दिया। फिर महात्मा केवे मूसियो मोटी रागता मोटी औंक दिखाता, और मूसियो के बड़ देवता मोटी औंक दिखाता, जोर जवानी रो तोलता जनो उधर मरता ही जाता। मोटे मोटे मूसियो रागता मोटी मोटी औंक हो और जवानी को जोर तोलता का मारी जवानी है के धरती को तोल दो, एडो मतलब जवान तो हो अभिमान हो मन में परंतु गया पराव। जिनो मानसिंह राजा केवे के देख देख गति जीव की मोइसर जावे, मौन केवे मौने नी जिन वृथाई जलम गमावे। मानसिंह राजा के जीवरी गति देखो मोइसर जा रियो है और संसार मौने नहीं और वृथाई जलम गमा रिया है। इन आज ते महात्मा चेतावनी में अपने संकेत करे और अपने चेतन होनो है। एक दिन मरनो पक्को ही इनमें कोई फर्क नहीं, चाहे ब्याह होवे कनी वे परिवार होवे कनी वे संपत्ति होवे कनी वे, परंतु एक दिन तस्वीर तो अपनी रखनी रखनी है। क्यों मरतू लोग है बड़ा बड़ा वर प्राप्त करुड़ा हो बड़ा बड़ा तपस्वी हो जोगन मरनो पड़ी हो कि नाम ही मरतू लोग है इनमें कोई अमर रहवे ही कोई नहीं। इन आज ते अब चार दिन आया हो तो शुभ कर्म करना। महात्मा केवे हाँ कबीर ये संसार आवन जावन की रीत, करनी ऐसी कर सलो तेरी दुनिया गावे गीत, ऐसी करनी करनी के बिल्कुल दुनिया लारे याद करे। नीज न जावे जनो कहीं कहे के दैन मिट्टी पूरे गांव ने लड़ा दी, और एक आदमी जावे जनो कहीं कहे बहुत बढ़िया सोको आदमी हो और अपना काम आने वालों हो भलो आदमी हो गयो परो, तो मिनक तो हा गई है। तो इन आज ते ऐसी करनी करनी शुभ कर्म करना। देखो हमारा संत और शास्त्र क्या कहवे कि जैसा कर्म करता है उन कर्म आधार पर जलम होता है, जैसो ही कर्म करी ऐसो ही अपन जलम होई ऐसो ही अपन फल मिली। तुलसीदास जी महाराज कहवे है शास्त्र में लिखे है कि तुलसी तन तो खेत है और मन वसंत कर दो किसान, पाप और पुण्य दो बीज है और जैसे ही वो वैसा करे निधान। पाप और पुण्य दो प्रकार का बीज है और जैसा ही वो जैसी अपने फल की प्राप्ति हो जाए। इन आजते हमेशा ही शुभ कर्म करनो बिल्कुल अपने फल की प्राप्ति होए। जनम आत्मा समझावे दो दिन और बंदा साहिबी क्या तुम देख दिखावे, मैंने कहा खाने थोड़ी माया आ जावे नहीं, थोड़ा पैसा हो जावे कोई पद प्राप्ति हो जावे तो अभिमान भरी जावे का मारा जड़ा कोई है ही नहीं।
अरे थे तो कटे सजो बड़ा बड़ा गया प्रा महात्मा भजन में गायो क्या गया बलवान तीन बड़ा धरती तोलनिया जिनकी पड़ती धाक नहीं की सौ में बोलनिया वो नर गया अकेला नर में डूलनिया तो एडा एडा भूप जाता रिया तो अपनी तो जुआई कहीं है इन आस्ते निर्भय होकर के एकदम नैनो बन करके भगवान को भजन करनो वो परमात्मा सर्वे बापक है गट गट में भगवान है उन परमात्मा री पसौन करनी है इन संसार माया तो खा लिया सू गया नो थोड़ी लक्ष्य है मनुष्य का लक्ष्य क्या है कि अपना उद्धार करनो अपनो कल्याण करनो ये खास असली लक्ष्य है और वो तो भूल गया और संसार ने पकड़ लियो जीव कटु भटक तो आयो आपने ध्यान दियो भूल पड़ गई लक सोरासी जून है जून में फिरते 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 आयो है और मनुष्य जन्म को मुख मिलियो है और इनमें ही आकर के आप लोग उदार आपको नहीं करो ला तो अन्य जूनी सब भोग जूनी है उन जूनी में जाहिर बाज में कुछ होने वालों नहीं मनुष्य जूनी कर्म जूनी है लक सोरासी बताई है तो महात्मा लिखे लक सोरासी के बारे में कोई पढ़िया लिखे प्रश्न करे कि महाराज थे सोरासी सोरासी करो पर सोरासी है कहीं सिर्फ महात्मा सोरासी के बारे में बतावे गिनती कर लीजू ते महात्मा केवे 9 लाख जल का जीव है 9 लाख प्रकार का जल में रहने वाला जाति का जीव 9 लाख जल का जीव है 10 लाख पक्षी जान 10 लाख प्रकार का उड़ने वाला पक्षी है 10 लाख पक्षी जान 11 लाख कीट भृंग है 11 लाख प्रकार की मतलब कीड़ी मकोड़ा कीट भृंग 11 लाख प्रकार की जोड़ी है किताब क्या हाँ 11 लाख कीट भृंग और इष्टा और 20 बखान इष्टा और क्या कर दरकतों ने और दरकतों की जोड़ी कितनी है 20 लाख प्रकार की इष्टा और 20 बखान और 30 लाख फसू की जोड़ी चार पैरों वाला किताब क्या हाँ 30 लाख फसू की जूनी मनुष्य चार प्रवाण देवता दानव गिंद्र मनुष्यो इनमें 4 लाख प्रकार की मावे 4 लाख प्रकार की जूनी कितनी होगी 84 ये 84 है और शक्कर है इन शक्कर में फिरते 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 अपने भगवान की कृपा से मनुष्य जल मिले और इनमें आकर के मुख घुमा दियो तो मामलो गड़बड़ हो जावेला ये बात पक्की है बोलो सतगुरुदेव की।